सर्दियों का मौसम लगभग शुरू हो चुका है। सर्दियों में स्किन ड्राई होने के कारण स्किन पर कई तरह की प्रॉब्लम्स आने लगती है। स्किन का काला पड़ जाना, रूखी त्वचा होना, ये सभी आम समस्या है। ऐसे में आप अपनी स्किन पर नमी लाने के लिए और स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर सकते हो। विंटर सीजन में स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और इसके साथ ही आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आप सही से स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं तो इस विंटर सीजन में भी आपकी स्किन हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग नज़र आएगी। आप यहाँ पर एलोवेरा जेल को अलग अलग चीज़ों के साथ ऐड करके सर्दियों के मौसम में भी अपनी स्किन को अच्छा रख सकते हो। आप एलोवेरा जेल में बादाम के तेल को ऐड करके अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हो। आपको आधे चम्मच बादाम के तेल में एक चम्मच एलोवेरा जेल को मिक्स कर लेना है और रात को सोने से पहले आप अपनी स्किन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बादाम के तेल में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई होता है जो स्किन को ग्लोइंग बनाता है। एलोवेरा जेल में बादाम का तेल मिक्स करके लगाने से स्किन पर होने वाले काले दाग धब्बे कम होते हैं और स्किन ड्राई नहीं होती। स्किन हमेशा मॉइस्चराइज बनी रहती है। इसके इस्तेमाल से स्किन के डेड सेल्स रिमूव होते हैं। एलोवेरा जेल और बादाम के तेल में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो सनबर्न और सन टैनिंग को दूर करते हैं। आप रात को सोने से पहले इसका यूज़ ज़रूर करें। एलोवेरा जेल में नारियल तेल को ऐड करके भी आप अपनी स्किन के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। नारियल तेल और एलोवेरा जेल दोनों ही स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं। इन दोनों का यूज़ करने से स्किन सॉफ्ट होती है और स्किन पर होने वाली झुर्रियाँ और झाइयाँ भी सही होती है। एलोवेरा जेल में कोकोनट ऑयल ऐड करके लगाने से स्किन के दाग धब्बे कम होते हैं और स्किन पर होने वाले सनबर्न, सन टैनिंग और पिगमेंटेशन को भी इन दोनों के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। नारियल तेल और एलोवेरा जेल का कॉम्बिनेशन स्किन को रिपेयर करता है और विंटर में होने वाली ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को भी एलोवेरा जेल और नारियल के तेल के इस्तेमाल से दूर किया जा सकता है। आप रात को सोने से पहले अपने फेस को अच्छे से वॉश करके एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल को मिक्स करके अपनी स्किन पर लगाकर रख सकते हैं। दिन भर आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी। आप एलोवेरा जेल में हनी ऐड करके भी अपनी स्किन पर लगा सकते हैं। शहद और एलोवेरा जेल दोनों ही स्किन को हाइड्रेट रखते हैं और स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं और स्किन पर नमी लेकर आते हैं। हनी और एलोवेरा जेल के इस्तेमाल से स्किन पर चमक आती है और चेहरे पर होने वाली झुर्रियाँ भी कम होती है। एलोवेरा जेल और हनी का कॉम्बिनेशन डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और स्किन के दाग धब्बों को भी दूर करता है। आप एलोवेरा जेल में हनी ऐड करके 15 से 20 मिनट के लिए इसे अपने चेहरे पर लगा कर रखें और फिर चेहरे को वॉश कर लें। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन हमेशा मॉइस्चराइज रहेगी, चेहरे के दाग धब्बे कम होंगे और स्किन ड्राई नहीं होगी। ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल को भी आप अपनी स्किन के लिए यूज़ कर सकते हो। एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन दोनों में ही मॉइस्चराइजिंग गुण होते हैं। ये स्किन में नमी को बनाए रखते हैं जिससे विंटर में होने वाली ड्राई स्किन की प्रॉब्लम दूर होती है। अगर आप रेगुलर एलोवेरा जेल में ग्लिसरीन ऐड करके लगाते हो तो इससे स्किन का रूखापन कम होता है और स्किन ग्लोइंग बनती है। एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन को मिक्स करके लगाने से स्किन पर होने वाले एजिंग के साइन दूर होते हैं, झुर्रियाँ और फाइन लाइंस कम होती है। ये दोनों ही स्किन पर होने वाले दाग धब्बों को कम करते हैं। एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो स्किन को अंदर से नरिश करते हैं। चेहरे पर हल्दी और एलोवेरा जेल को मिक्स करके लगाने से कई फायदे होते हैं। हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल गुण होते हैं जो स्किन को इन्फेक्शन से बचाते हैं। हल्दी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी बैक्टीरियल गुण स्किन को अंदर से क्लीन करते हैं। इसके साथ ही एलोवेरा जेल स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को दूर करता है। एलोवेरा जेल और हल्दी का कॉम्बिनेशन स्किन से कई तरह की समस्याओं जैसे कि सनबर्न, स्किन पर होने वाली जलन, पिगमेंटेशन और टैनिंग को भी दूर करता है। हल्दी स्किन पर निखार लेकर आती है और स्किन को ग्लोइंग बनाती है। तो सर्दियों के मौसम में भी आप एलोवेरा जेल में ये चीज़ें मिलाकर अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रख सकते हो और अपनी स्किन को ड्राई होने से बचा सकते हो। सो फ्रेंड्स, यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।